नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट कंप्यूटर की वो डिवाइसेस होती हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच बार और वेब कैमरा और स्पीकर, ये सारी चीज़ें जो कि इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद वन बाई वन इनपुट डिवाइस को समझेंगे, जैसे कि कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड सबसे अहम भूमिका निभाता है। कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर में टेक्स्ट और कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कीबोर्ड कार्य, और इसलिए हम कह सकते हैं कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, दूसरे इनपुट डिवाइस के बारे में। दूसरा इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए हम पेज, डॉक्यूमेंट, फोटो आदि को इनपुट कराते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट, फोटो इत्यादि हम प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद स्कैनर के जरिए हम किसी भी टेक्स्ट फाइल या डॉक्यूमेंट को हम इनपुट कराने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में आते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का वह ही टुकड़ा होता है जिसे कंप्यूटर में डेटा प्राप्त करता है, फिर उसे डेटा को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। यह ऑडियो, विजुअल, टेक्सुअल या हार्ड कॉपी जैसे होता है जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है। कंप्यूटर से नुकसान क्या क्या होते हैं? तो कंप्यूटर वायरस या हैकिंग के मामले में, ऑनलाइन साइबर अपराध और रोजगार के अवसर की कमी, ये सब कंप्यूटर के जो कि नुकसान होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।